हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे हों। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो आपको ना कुछ चीज़ें मैं ऐसी दिखाऊंगी जो मैंने जो अभी इससे पहले जो व्लॉग डाले हैं ना उनमें लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो कौन सूट करता है, कैसे सूट होते हैं, और मैं वो दिखाऊंगी कि मैं कैसे सूट करती हूँ, कितना मुश्किल होता है सूट करना। क्योंकि आज ना मुझे होली के वीडियो सूट करने हैं, होली का कोलैबोरेशन है। कोलैब के जो भी वीडियो हैं देखते हैं कि फौजी साहब राजी होते हैं, क्योंकि इस टाइम वो बहुत बिजी चल रहे हैं, तो मैं सिंगल ही वीडियो बना रही हूँ। तो आज है ना मेरा होली का साड़ी, उनका टी शर्ट्स वगैरह है, तो मैंने कोलैबोरेशन ले लिया था। अब भी चार्ज लेती हूँ तो फिर ये भी लगता है कि अगले ने प्रोडक्ट भी सेंड किया है, चार्ज भी किया है मुझे, तो फिर उसको टाइम पे अगर मैं कर दूंगी तो उसको बेनिफिट हो सकेगा और लोगों तक भी टाइम से पहुंच सकेगा। और क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत अच्छे लगे प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाऊंगी साड़ी वगैरह, अभी मैं रेडी होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए व्लॉग में, थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैंने साड़ी ली है, अपना ना अजवाइन का पानी है ये, देखो ये अजवाइन है, आपको दिख रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, बहुत सारे कमेंट देखे मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कि ये देखो अजवाइन का पानी है। खाना खा चुके हैं दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम पे ना मैं अजवाइन का पानी अपने लिए कर लेती हूँ। फौजी साहब भी पीते हैं और मतलब मैं भी अपने लिए थोड़ा सा कर लेती हूँ। मैं बताऊँ इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है बॉडी में। आपको जो भी वैसी प्रॉब्लम्स होती है, किसी किसी को क्या है पेट साफ नहीं होना, ये सब चीज़ें, और सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है ना कि आपका वजन कम कैसे हो, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक ब्लॉग में अलग से शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे हैं कि दी आप इतने फिट हो, आप कैसे हो। तो देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इतनी फिट हूँ इन्हीं चीज़ों से, ऐसा नहीं है। किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता ही नहीं है, चाहे वो ज़्यादा खाए या कम खाए, और किसी को क्या है मेनटेन करना पड़ता है। हल्का वार्म होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बट पीना पड़ता है। इसका जो मैंने इसको कर रखा ना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म है ये, मैंने करके रख दिया था। और मैं कैसे क्या करती हूँ, कब रखती हूँ, कितना टाइम कैसे, वो पूरा मैं अगले ब्लॉग में किसी में अलग से बनाऊँगी। अभी मैं दूसरा वाला ब्लॉग आपको शेयर करने वाली थी, जिसके लिए मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि मैं आपको शेयर करूँगी, जिससे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आएंगी, सीखने को मिलेंगी, बट वो अभी एडिट नहीं हो पाया, तो ये वाला ब्लॉग पहले जाएगा। इसके बाद में कोशिश करूंगी, कल हो सकता है, अगर कल आ जाएगा तो मैं कल एडिट कर पाई तो कल कर दूंगी, क्योंकि अभी उनको भी फौजी साहब को थोड़ा टाइम लिया, तो मैं सीबी को देखना पड़ रहा है, सीबी का एग्जाम चल रहा है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। तो आज ये वाला ब्लॉग जाएगा, इसके बाद देखती हूँ मैं जैसे ही वो एडिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके स्पेशली आपके लिए लेके आ रही हूँ, कि आपको कुछ चीज़ें जो सीखने को मिले, आप अच्छा कर सकें अपनी लाइफ में। उसके लिए देखो आपको दिखाती हूँ, आज मैं ये वाली साड़ी का कोलैबोरेशन करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ अभी ना मैसेज आ गया तो मुझे होली का करना पड़ेगा। मेरे को ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी सुंदर है ना इसकी साड़ी में ना, पूरी साड़ी में इस तरीके का ना मोती वर्क कर रखा है, पूरा बॉर्डर बना रखा है। मैं डालूंगी रियली, और बहुत खूबसूरत लगी मुझे, बट चेंज हो गया, आज करना पड़ेगा इस वाली साड़ी का। ये होली की है, ये कॉटन मिक्स है, ये अच्छा फैब्रिक है इसका भी। आपको देखो अगर कैसी लगती है, मैं अभी वेयर कर लेती हूँ ना, रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें बहुत सुंदर है, ब्लाउज मेरे पास रखा था इसलिए मैंने स्टिच नहीं करवाया, पूरी साड़ी इस तरीके से। मैं रेडी होकर दिखाती हूँ आपको, चलो। तो गाइज़ रेडी होने के बाद ना मैंने ना अलग से सूट ले नहीं पाया, ये मैंने वीडियो के लिए सूट किया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फौजी साहब आ गए, उन्होंने इतनी जल्दबाजी, वो आने के बाद से बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, तो मुझे जाना पड़ा ऊपर सूट करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं एक रील जो मैंने यहाँ घर के अंदर सूट की थी, उसके बाद मैंने छत पे जाके सारे टेरेस पे सूट करती हूँ मोस्टली रील, तो यहाँ मैंने एक ये रील सूट की थी, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। मैंने पूरा लुक यहाँ पर नहीं ले पाया, वीडियो ही नहीं सूट कर पाई, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में वो गुस्सा करने लग जाते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, उनको उतना ही लिमिटेड टाइम रहता है। तो यहाँ मैं ये इस तरीके से अपने वीडियो शूट की है, और आप इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं। साड़ी का कोलैबोरेशन तो साड़ी दिखेगी ना, जाना आप पूरा ज़ूम करवा ले रहे हो। बनाना बना लेना, बाजारों में टाइम हो रहा है, ठीक है? अभी कहाँ टाइम हो रहा है, तीन तो जाओगे ना, तो तन्हा लेना ना। अब जब साड़ी का कोलैबोरेशन तो साड़ी दिखेगी ना कि नहीं दिखेगी?
तो गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी आईफोन में ना, कुछ कई बार वीडियो शूट करती हूँ उसका वॉइस ही चला जाता है, इसका वॉइस इतना डाउन हो गया तो यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, हमारा झगड़ा ही हो जाता है। वीडियो शूट करने बहुत प्यार से जाते हैं स्टार्टिंग में और फिर ऊपर जाके कुछ ऐसा हो जाता है। ये देख लो उनका उनका क्या है, फौजी साहब का सब कुछ उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनको कुछ भी मैं बताऊँगी वो नहीं करते हैं, बस ये है कि वो शूट कर देते हैं मेरे लिए उतनी बड़ी बात रहती है। तो यहाँ पर बस हमारा हो गया झगड़ा, क्योंकि वो उनको मैं बोल रही थी कि थोड़ा आराम से कर लो, उनको बस जल्दी 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 जितनी जल्दी हो पाए करके करके फेंक देना है। मुझे तो खुद ही हंसी आती है बाद में सोचती हूँ, जबकि जाती इतने प्यार से हूँ पर झगड़ा ही करके नीचे आती हूँ। छोटी मंगाती है ये, छोटी नहीं है वो, और भेजा ये एक्सेल है उसकी कंपनी, उसने एक्सेल दिखाया, एक्सेल एक्सेल मोटा नहीं हो गया, एक्सेल छोटा है ये, सामने पूरा लेना है ना। चलो ये अब लगाओ बाल पे, तो गाइस फाइनली हमारी ना होली वाली ये शादी का प्रमोशन हो गया और हमारी होली भी इन एडवांस हो जाता है। हमारा तो कोई भी फंक्शन आता है तो प्रमोशन के चक्कर में सारा कुछ इन एडवांस हो जाता है। देखा कैसे, आज आपने देख ही लिया होगा ना कैसे रील बनती है। तो एक भैया से मैंने करवा दिया है ना, अब यहाँ पर ना मटकते रहेंगे। ये देखो ये मांग इतना कर रही थी, अभी कितना ऑर्डर सिवी ने फोटो क्लिक की, उसने बेचारे ना वो भी आज आपको दिखा दिया इसलिए क्योंकि आज कोई था हमारा सूट करने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो चलो अब हम चेंज कर लेते हैं, बेटा ये रख दे ले। सिवी को मैंने इतना मनाया बट उसने बिल्कुल नहीं माना। हाँ सब मशीन में डाल दो, तो इतनी मेहनत होती है सच में हमारी। छोटी नहीं है वो, आप मोटे हो गए भाई, दिमाग खराब कर रहे हो। हाँ फिर ना मैं अभी इस वाले ब्लॉग को यही एंड करूंगी है ना, फिर ये बिल्कुल भी इतना इतना मक्का है, इसको मैंने इतना बोला कि बेटा बना ले बना ले, चल अब तू नहा ले, फिर लेट हो गया मेरी वजह से ना। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगी एंड मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। एंड होली तो पता नहीं हमारी कहाँ होगी, घर होगी कि यहाँ होगी पर मालूम नहीं है। अब क्या रहेंगे वही होली, जहाँ होली शुरू है, कंटिन्यू होली चलेगी सच में। तो अभी ना आपको मैं देखती हूँ आज या फिर कल में जो मैंने एक व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ जिससे आपके लिए बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। मैं आपको कल से बोल रही हूँ पर आज तो ये होली वाला पहले आएगा, इसके बाद मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूंगी। मैं बहुत 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 अच्छी चीजें दिखाने वाली हूँ जो आपकी बहुत काम आने वाली है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, स्क्रोल कर दीजिए। एंड लव यू गाइज, हैप्पी होली इन एडवांस।